गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस साइड कहकशा एंड यू आर वाचिंग द कहकशा व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं कराने वाली हूँ आपको दिल्ली दर्शन, जिसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सबसे पहले मेट्रो, और मेट्रो से मैं जाने वाली हूँ निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से निकलकर लेनी है आपको ई रिक्शा, जिसको देने हैं मात्र 20 रुपीज, और हम पहुंच जाएंगे यूनेस्को की धरोहर हुमायूं टॉम, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। अगर आप पहले यहाँ आए हो तो भी ये व्लॉग देखना, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको हिडन प्लेसेस और इस लोकेशन के फैक्ट के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो गाइज, यहाँ पर दिया हुआ है काउंटर, काउंटर से लेना है टिकट, और अगर यहाँ आ रहे हो तो कैश लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेप्टेड नहीं है। उसके जस्ट बगल में आपको मिल जाता है लॉकर, तो कोई सामान लेकर आए हो तो यहाँ पर आप आराम से रख सकते हो। आपको टोकन मिलेगा और आप टोकन दिखा करके अपना सामान आराम से वापस भी ले सकते हो, और ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा क्योंकि ये भैया डोर लॉक कर देते हैं बाहर से। तो अब चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज, एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, और थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर ताजमहल के लेवल का अट्रैक्शन मिल जाता है। तो गाइज, एंट्री करने के बाद मेकअप मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अंदर जाके मैं रील शूट कराना है। तो यहाँ पर मैं अपने सारे मेकअप के सामान लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले मैं साज श्रृंगार कर लेती हूँ, और लोग मुझे इस तरह से घूर रहे हैं, गाइज। जैसे ही आप एंट्रेंस से लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ईसा खान का टॉम। ये एक्चुअली शेर शाह सूरी के डायनेस्टी से। तो चलिए अब करते हैं इसके अंदर एंटर्ड। गाइज, ये देखने में अपने आप में बहुत ही प्यारा मॉन्यूमेंट है, और ये अलग से भी होता तब भी इतना ही प्यारा लगता। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे बेस्ट फोटोज और वीडियोस कहाँ पर ले सकते हो। तो गाइज, ये फ्रंट का पोर्शन है जहाँ से एंट्री करते हो, और यहाँ पे आप प्रॉपर शूट करा सकते हो रील्स। बाकी यहाँ पर सनसेट होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। हम सुबह सुबह आ गए थे तो बहुत ज्यादा क्राउड भी नहीं था यहाँ पर, बट यहाँ पर देखें आप फोटोज वीडियोज, और इसके ऊपर भी चढ़ के बना सकते हो क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बट वो आपको मना नहीं करते। एंड दूसरा पोर्शन ये है, आप इसके चारों ओर घूम करके भी बना सकते हो, और इसके ये जो रास्ते हैं ना, इस पर भी आप प्रिंसेस की तरह, और फिर भैया कोई लड़के हो तो प्रिंस की तरह शूट करा लो। ईशा खान का टॉम 20 साल पुराना है कंपैरिजन में हुमायूं टॉम के, और फैक्ट की बात ये है कि जिस तरह से हुमायूं टॉम का मेंटेनेंस करते हैं वैसे इसका नहीं किया गया। हो सकता है इनके पास पैसे ना हो, या फिर ये हो सकता है कि ये इसके ओरिजिनल टच को लूज ना करना चाहते हो। तो गाइज, ये जो आप डोर देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 500 साल पुराना है। और आप यहाँ से जब एंट्री करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कब्रें दिख जाती हैं, और ऊपर देखोगे तो बहुत सुंदर सा इंटीरियर है। प्लस यहाँ पर एक सीढ़ियाँ मिल जाती है जिससे ऊपर जाने का रास्ता है, बट यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, और अभी इसमें सिर्फ कबूतर रह रहे हैं क्योंकि इसमें से स्मेल आ रही है। कमाल की बायोडायवर्सिटी है यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सब दिखते हैं। वैसे ये हुमायूं की याद में उनकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था, और उस टाइम 15 लाख, इट मीन्स 1.5 मिलियन इसकी लागत आई थी, जो हाजी बेगम ने खुद पे किया था। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी वाइफ भाई साहब। नाउ मूव टू द नेक्स्ट हुमायूं टॉम, जिसके लिए ये फेमस है। तो गाइज, मेन एंट्रेंस गेट ये रहा हुमायूं टॉम का। आप जैसे ही आओगे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा इधर पीने का पानी और वॉशरूम वगैरह। चलो अब हम एंट्री करते हैं। तो गाइज, एंटर करने के बाद आपको ये लोकेशन मिल जाता है, और ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पर फोटो वीडियो लोग क्लिक करवाते हैं, और यहाँ से प्रॉपर विजुअल आपको मिल जाता है। थोड़ा आगे देखोगे तो वहाँ पर फाउंटेन दिया हुआ है, जो कि आप थोड़ा करीब जाओगे तब दिखेगा, बट यहाँ से आपको एक प्रॉपर बैकग्राउंड लोकेशन मिल जाता है, एंड साइड का भी विजुअल काफी अट्रैक्टिव है। और यहाँ देखिए ये एंट्रेंस का पार्ट है। चलो अब हम थोड़ा और करीब जाते हैं और नजदीक से देखते हैं कि और क्या क्या हमें दिख जाता है। सो गाइज, करीब से आप देख सकते हो फाउंटेन, और आप पीछे से देख रहे थे तो ये काफी ज्यादा छोटा लग रहा था, बट ये बहुत बड़ा है, और यहाँ तक पानी आ रहा है। चलो इसके पानी का भी आनंद ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो चलिए अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं और इसका भी नजारा आपको दिखाते हैं। आपको ये स्टेयर्स मिल जाती है, स्टेयर्स काफी ऊंची ऊंची हैं। दैट्स मीन कि
पहले के लोग काफी लंबे हुआ करते थे, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां और ये स्टेयर्स आपको लेके जाती है लोकेशन पर। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कुआं भी है जिसमें लोग क्वाइंस भी डालते हैं, बहुत करीब से देखोगे तो दिख जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा अदरवाइज मेरा फोन इसमें जरूर चला जाएगा। तो ये रेलिंग देख रहे हो आप, काफी शॉर्ट हाइटेड है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कृपया रेलिंग से दूर रहे। तो अगर आप बच्चों को लेकर आ रहे हो यहाँ पर विजिट करने तो उनका ख्याल रखना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। तो गाइज इस लोकेशन पर आपको हर विंडो में अलग अलग जाली लगी हुई दिख जाएगी। इन जाली को अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर जाली का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है और जहाँ पर विंडो के साइज अलग है वहाँ पर भी पैटर्न बिल्कुल चेन चेन से है। तो हर जाली के अलग अलग डिजाइन दिए हुए हैं। कैसे ढूंढ लिया आप लोगों ने? अरे आपको याद था, स्पेलिंग भी याद थी। अरे वाह, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भी अपलोड करूंगी, आप देख लेना, नेक्स्ट आ जाएगा व्लॉग। तो इन जाली के बारे में कुछ स्पेशल बात बताती हूँ आपको। तो गाइस इन जालियों की खास बात यह है कि आप अंदर से देखोगे तो बाहर का प्रॉपर नजारा आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तो अंदर का कुछ भी खास विजुअल्स नहीं मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजा रानियों के लिए होता होगा जो अंदर से सब कुछ बाहर का नजारा देख लेते होंगे। तो गाइस यहाँ पर आप शाम को सनसेट देखने के लिए भी आ सकते हो। ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ देखने लायक चीजें। तो ये लॉन देख सकते हो, आय हाय, ईशा खान का मकबरा तो आप देख ही चुके हो, एंड अफसरनामा मकबरा देख सकते हो, बू हामिला मकबरा देख सकते हो, एंड नीला गुंबद का ऑप्शन है आपके पास, और शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिखों का भी कब्र यहां पर देख सकते हो, और अकबर की आमी हामिदा बेगम का भी कब्र यहां पर दिया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हो गाइस। और हुमायूं टॉम के बहुत नजदीक आपको निजामुद्दीन औलिया का मजार भी दिख जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाई का भी मकबरा देखने मिल जाएगा गाइस, जो हुमायूं की बियर्ड हेयर सेट किया करते थे। ओके गाइस, कुछ फैक्ट्स बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कि ये जो मकबरा बनाया गया है ये मक्के की तरफ बनाया गया है, मतलब जिस तरफ मक्का बनाया है उस तरफ की डायरेक्शन में इस मकबरे को बनाया गया है, और यहाँ का बागीचा, फाउंटेन और जो भी आप ग्रीनरी वगैरह देख पा रहे हो वो प्रॉपर इंस्पायर होकर के बना है ताजमहल से। और एक फैक्ट बताती हूँ गाइस, जो इस मकबरे को बना रहे थे इस मकबरे के कंप्लीट होने के पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके आगे उनके बेटे सैयद मोहम्मद इन मिराक ने कंप्लीट किया था। वैसे फैक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसमें हुमायूं का अंतिम संस्कार करने से पहले उन्हें दो अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। वैसे ज्ञान की बातें बहुत हो गई, लेकिन बस एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, हुमायूं टॉम की जो ओपनिंग टाइम है वो सनराइज से सनसेट तक की है, मतलब सनराइज में ये ओपन हो जाता है चाहे फिर वो 5 बजे ही क्यों ना हो, और सनसेट होने तक ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है। लेकिन इसकी एक और खास और राज की बात यह है कि जिनको मूनलाइट देखना हो उसके लिए ये वापस से खुलता है, मतलब क्लोजिंग होने के बाद आपको वापस से टिकट लेनी होती है और वापस से एंट्री होती है जिसमें आप मूनलाइट देख सकते हो, और हुमायूं टॉम मूनलाइट के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप आ रहे हो और यहाँ पर सनराइज सनसेट नहीं देख पाए हो तो मूनलाइट जरूर देखकर जाना। गाइस थंबनेल लेने की कोशिश, थंबनेल तो पहले बोल लो, लिपस्टिक दे दो यार, लिपस्टिक लगा ले, बिना लिपस्टिक के थंबनेल नहीं ले पाऊंगी मैं। ओ भाई साहब ये सही है, नहीं नहीं यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, यहाँ से क्लिक कर देना ठीक, हटो धूप नहीं आ रही है, ठीक बढ़ो आगे, चिल्ला नहीं है मेरे पास। ओ माय गॉड, अब से मिलकर चला गया। ओके गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस लॉन की खूबसूरती। आप सामने देखोगे तो ग्रीनरी दिखेगा, और इस चीज को मेंटेन करने के लिए देखे कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं भैया। तो गाइस मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, बहुत मेहनत कर ली, और बहुत धूप में मैं सक चुकी हूँ, टोस्ट हो चुकी हूँ पूरी तरह से, बट अब थोड़ा सा खुद को एनर्जी लाना है। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से और बहुत सुंदर सुंदर से बहुत सारे मैंगोज हैं, तो चलो चुपके से तोड़ते हैं। गाइस हम यहाँ पे आम का पेड़ ढूंढने आए थे, बट आम का तो नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत सुंदर सी ग्रीनरी जरूर दिख रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बट लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ के जो केयर टेकर वाले भैया हैं वो तोड़कर बहुत सारे आम ले जा रहे थे, और उनमें से मैंने एक लिया भी था, बट वो कहाँ से लेके आए थे वो मुझे नहीं पता। तो देखते हैं एंड में आपको पता लगेगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते रहना। ओके गाइस देखो, आम तो नहीं मिला, बट यहाँ पर बहुत प्यारा सा फ्रूट दिख रहा है अभी इसे, आई थॉट ये ऑरेंज है या नींबू है, ये दोनों ही नहीं है, कुछ और है। और यहाँ पर देखोगे इधर भी बड़ा, इधर भी छोटू सा दिख रहा है, और ये नीचे भी छोटू सा दिख रहा है। ठीक है चलो हम दूसरे और एक्सप्लोर करते गाइस, शायद हमें और भी फ्रूट के पेड़ पौधे में फ्रूट्स लगा हुआ मिल जाए। की वॉचिंग, यहाँ तक आ गए हो देखते रहना। ये अमरूद के पेड़ है, अमरूद नहीं है यार, यार ये कुछ और फ्रूट है, देखो इसमें भी है वॉइस, दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, कंसंट्रेट करते हुए आम का पेड़ ढूंढना है।
गाइस इधर जाना अलाउड तो नहीं है, बट देखो आप लोगों के लिए इतना रिस्क ले रही हूँ, देख लेना ओके। अपने रिस्क पे जाना, मेरे रिस्क पे मत जाना ठीक है। मैं तो उड़ता पंछी हूँ, कहीं पे पहुँच जाती हूँ। यार हमने आम का पेड़ उधर भी तो देखा था, अभी याद आया मुझे। फाइनली हम पहुँच ही गए यार। ये लेकिन आम का पेड़ नहीं है गाइस, हम बगीचे के बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें दिख गया आम का पेड़, जो कि आपको आगे भी दिख जाएगा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा अंदर आए ताकि हमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ना देख पाए और हम चुपके से तोड़ लें ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे आम हैं, चलो टूट करते हैं। बेटे की आम सारी ऊपर ऊपर है यार। एक बात बताओ गाइस, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, तो आपको मैं अभी नहीं करते हो तो फटाफट से फॉलो कर लो पहली चीज। दूसरी चीज़, वहाँ पर मैं एक स्टोरी लगाऊंगी, मैंने अपने घर के जस्ट बगल से भी आम चोरी किया था, वापस से चोरी करने जा रही हूँ, और किस तरह से किया था वो आपको स्टोरी में देखने मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पे आप व्लॉग में देखें आम किधर है। एक और बात, ये पत्थर है, पता नहीं कैसा है यार, ये मुझसे ऊपर जाएगा। बेटे की छू के गुजर गया। एक और बार ओके गाइस, दो बार मैंने ट्राई किया, जीरो अंडा मिला, बट अब मैं इस छोटे वाले पत्थर से ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि वो ऊपर तक तो गया था बट टच करके नहीं आया। और मुझे यहाँ पर और भी फ्रूट्स दिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन, बट ठीक है, मुझे अभी आम चाहिए। तो चलो ओके। गाइस मुझे मिल गया ये आम, और छोटू पत्थर ने कमाल दिखाया, मुझे ये आम फाइनली मिल गया। और देखो ये कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है। अब हम इस आम को घर पे जाएंगे, मिर्च लगाएंगे, नमक लगाएंगे, और बट अगर आप तोड़ नहीं सकते ना तो नीचे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है। चलो गाइस, इसमें बहुत बड़ा बड़ा नींबू है, ये नींबू है ऑरेंज है पता नहीं, बट यहाँ पे करीब है मेरे पास है, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। ओके गाइस, तो ये था हुमायूं टॉम का पूरा टूर। यहाँ तक आ गए हो तो बगल में ही आपको सुंदर नर्सरी मिल जाता है, और उसके जस्ट बगल में आपको निजामुद्दीन औलिया का मज़ार भी मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर एंड तक देख लिया तो सब्सक्राइब बटन पर टैप कर देना, और देखते रहना दिल से प्यार से। बाय बाय। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता उधर का, मुझे नहीं पता। अच्छा, और ये है क्या? ये हुमायूं का मकबरा। और कौन सी क्लास की बुक में पढ़ा था आपने? थर्ड। अपना नाम बताना। मोहम्मद एजाज। एजाज, हेलो कर दो। हेलो हेलो भैया, व्लॉग बनाने के चक्कर में हम काला भुजंगा हो गया, और ये सीढ़ी की तो अलग दिक्कत, उतरा नहीं जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई है उन्होंने। चैनल का नाम द कहकशा ब्लॉग। द कहकशा। मम्मा के पास फोन है? फोन नहीं है। दोनों भाई भाई हो, नाम बताना। मोहम्मद। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं 7th। ओके वेरी गुड। आपको इसके बारे में क्या पता है? ये हुमायूं का मकबरा है, और इसमें बहुत सारे मतलब महल टाइप के बने हुए हैं। ओके, और कहाँ पर घूम के आए हो अभी? हम हाथी पार्क गए, इंडिया गेट गए। हाथी पार्क किधर है? नोएडा की तरफ। ओह ओके ओके ओके।